देख रहे हैं बदल रहा है, तो आगे आने चाहोगे आने वाले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहेगा? अभी देखा गया तो पिछले 24 घंटों में भी मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। ये स्थिति अभी भी एक दो दिन रहने का चांसेस है, स्पेशली सदर्न पोर्शन में। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एमपी में अभी भी हल्के से बारिश और थंडरस्टॉर्म का स्थिति चालू है। साउथ वेस्ट एमपी में हमने आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग दे रही है, और स्पेशली खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में चांसेस है थंडरस्टॉर्म का। और साउथ ईस्ट में छिंदवाड़ा, पांडुगना, शिवनी, बालाघाट हिली रीजन में भी 3 दिन तक थंडरस्टॉर्म और बारिश का चांसेस है। और टेम्परेचर देखा गया तो अभी नॉर्दर्न साइड में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आज दतिया में 45 डिग्री रिपोर्ट हुआ है, मतलब कल शाम का टेम्परेचर तो हाईएस्ट है, और ऑलरेडी वो हीट वेव कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और नॉर्दर्न साइड में हम कल से टेम्परेचर मतलब हीट वेव वार्निंग भी दे रहे हैं, आज से दे रहे हैं कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव वार्निंग दे रहे हैं। और अभी तो टेम्परेचर नॉर्दर्न साइड में बढ़ने का ही चांसेस है, तो उसके हिसाब से हमने ऑलमोस्ट डे 5 तक येलो वार्निंग दिया। मोस्टली हमने दिया है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर चंबल का पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है, और ईस्ट में टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वो रीजन में, नॉर्दर्न साइड में ज्यादा ये है। और खरगोन, खंडवा ये रीजन में एक दो दिन के बाद उधर टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है, जो राजस्थान की बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट्स में अलीराजपुर वगैरह वहां पे डे 3 से हम दे रहे हैं हीट वेव का येलो वार्निंग। भोपाल का अभी टेम्परेचर 40.7 दर्ज किया है कल का मैक्सिमम, तो अभी एक दो दिन में यही स्थिति रहेगा, जैसे क्लाउडिंग हटने के बाद टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। हम कल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दो दिन, उसके बाद तो ये क्लाउडिंग ही रहेगा या फिर रेनफॉल? अभी रेनफॉल का चांसेस कम है तो भी हल्का ही होगा आज और कल के लिए। हम चांसेस है आज और कल के लिए, हाँ हल्के से चांसेस। और गर्मी का क्या रहेगा मैम, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते रहेगा या कम रहेगा? अभी तो गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है, मैंने बोला ये सिस्टम अभी जो परसिस्टिंग है वो एक बार निकल जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। और मोस्टली देखा गया तो एमपी में लास्ट वीक, सेकेंड वीक से, थर्ड वीक से लास्ट वीक में ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ते हैं, जो लास्ट में रहेगा उसमें, हाँ उसी टाइम मॉडल्स तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहे हैं 45 के आसपास, तो हम सोच रहे हैं एक दो दिन के बाद टेम्परेचर बढ़ने